तो भाई आज हम बनाएंगे गुजराती स्पेशल खट्टा ढोकला, जिसे खट्टा करने के लिए दाल चावल को भिगोएंगे सीधा छाछ में 4 से 5 घंटे के लिए। अच्छा, दाल चावल को छाछ से ही ठीक पीसना है और पीसने के बाद हल्दी, नमक और ऑयल डालकर अच्छे से फेंटना है। और इनो आप जब भी डालो तो हल्का सा पानी डालकर उसे एक्टिवेट जरूर करना। ढोकले को स्टीम करने रखो और तड़का लगाओ राई, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते का। साथ में डालो थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा पानी ताकि सूखा ना लगे। अच्छा, इस ढोकले की चटनी भी बहुत स्पेशल है, जो तब तक नहीं बन सकती जब तक ढोकला न बन जाए, क्योंकि इसकी चटनी में धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, जीरा, नमक और नींबू तो डलेगा ही, साथ में डलेगा 3 से 4 पीस ढोकला भी। तभी तो चटनी टपकेगी नहीं, चिपकेगी अच्छे से ढोकले पर और जाएगी सीधा मुँह में। सरस छेना, तो ट्राई जरूर करना।